हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश मिश्रा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर यू हैव लर्न द इम्पॉर्टेंट म्यूजियम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। इन पास्ट टू वीडियो लेक्चर यू हैव लर्न द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मीन्स द विजिबल ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी थ्रू योर नेकेड आई। द विजिबल ऑब्जेक्ट थ्रू योर नेकेड आई। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायग्राम एंड द रियल इमेज ऑफ पार्टिकुलर स्लाइड्स दैट आर माइक्रोस्कोपिक, दैट कैन सी ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप। इट मीन्स दे ऑल आर एक्चुअली स्लाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स ये होती है कि रियल में आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो पहले तो उसको बुक में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसको जब आप रियल में पढ़ते हो तो उसका डायग्राम थोड़ा सा डिफर्स दिखता है। ठीक है, अब रियल डायग्राम और वर्चुअल डायग्राम में क्या डिफरेंट है हम लोग इस वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने जो चीज़ें पढ़ी है म्यूजियम के केस में, उसको आपने देखा कि हमारा जो रियल डायग्राम होता है वो कैसे डिफर कर देता है, कितना गैप डिफरेंस होता है, कितना गैप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट बैक ओवर द different kinds of slide that are in our syllabus and may be asked in the upcoming practical examination. The all about spots will based on 7 marks. It means you will given 7 spots. Out of 7, each spots will consist 1 marks. It means there will be 7 spots in front of you and you will provide only 1 minute to explain whatever the spots you have seen and you have observed. By the microscopic object there will be a problems, because first of all you need to understand which kinds of microscopic objects you have seen. So let us talk about the different kinds of slides that are in our syllabus, identify them. The first one is bacteria. इसमें हम लोग bacteria जिसकी study करेंगे वो bacillus bacteria की study करेंगे। ठीक है, bacillus bacteria का हम लोग स्लाइड prepared, पहले से prepared स्लाइड है, हम लोग bacillus bacteria की study करेंगे। ठीक है, ऑसिलेटोरिया, स्पायरोगायरा, राइजोपस का स्लाइड नहीं है फिलहाल। ठीक है, और ईस्ट की स्लाइड नहीं है। ठीक है, ईस्ट की स्लाइड नहीं है, ईस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन क्या था, अमीबा की स्टडी करेंगे हम लोग, हाइड्रा की स्टडी करेंगे। ठीक है, ये दोनों अवेलेबल है अभी। लिवर फ्लूक ये माइक्रोस्कोपिक है, देख लिया था लास्ट टाइम। एस्केरिस देख लिया था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं इस स्लाइड्स में, यहाँ पे क्या है, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज़ देखेंगे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रिएचेज एपिथेलियल टिश्यूज़ देखेंगे। ठीक है, कार्डियक एपिथेलियल टिश्यूज़ नहीं है फिलहाल, और मैमेलियन ब्लड स्मीयर्स को अच्छी तरह से देखेंगे। माइटोसिस की स्टडी करेंगे हम लोग, और माइटोसिस ओनियन रूट टिप का देखेंगे। ठीक है, एनिमल सेल्स की माइटोसिस का सिलेबस में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि या तो ओनियन रूट टिप से माइटोसिस की स्टडी करिए या फिर एनिमल सेल की स्टडी करिए। ठीक है, तो हम लोग ओनियन रूट टिप की स्टडी करेंगे माइटोसिस की। चलो हम लोग आते हैं एक स्लाइड की स्टडी करने। देखो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, अगर ये स्लाइड आपको एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो हमको क्या लिखना है, माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप। क्या लिखना है, माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप। ध्यान देना है, माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, और ये एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ माइटोसिस ओनियन रूट टिप। ये बहुत छोटा डायग्राम है, हालांकि हमने 10x पे इसको शूट किया है, इसको अगर 45x पे देखेंगे तो ये काफ़ी क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे एनाफेज स्टेजेस, फिर इसके बाद आपको मेटाफेज स्टेजेस भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेटाफेज, यहाँ पे देखो ये क्लियर कट एनाफेज है, ये भी एनाफेज है, तो ये तमाम स्टेजेज आपको दिख रहे हैं, प्रोफेज स्टेजेस दिख रहे हैं। तो ये कुछ स्टेजेस आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेने हैं, लिख लेने हैं हमने कौन कौन से स्टेजेस देखे। ठीक है, फिलहाल अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन आते हैं, ये उसी का थोड़ा सा क्लियर डायग्राम है, और यहाँ पर चीज़ें एकदम आपको क्लियर कट दिखती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोफेज स्टेज, यहाँ पे देखिए एनाफेज, थोड़ा सा इलांगेटेड सेल्स है, एनाफेज स्टेजेस देखिए, ये एनाफेज स्टेजेस है। ठीक है, प्रोफेज स्टेजेस है,
तो ये कुछ स्टेजेस आपको बड़े कॉमन से दिखेंगे, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि जो हम देख रहे हैं वो क्या है। तो ये है क्या, माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप, माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये हमारा जो डायग्राम दिख रहा है ये ऑसिलेटोरिया का है, इसको नोट कर लेंगे कॉपी में सब लोग। ये क्या है, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, और ये होता क्या है, एल्गी होता है, ठीक है। ये एल्गी होता है, मल्टी सेलुलर एल्गी होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन कलर ये होता है, यानी कि ये मेंबर क्लोरोफाइसी का एजेंट है, क्लोरोफाइसी का एजेंट है, ठीक है। बाकी आप लोग सबको बारे में इसको पता होगा, अगर चार पांच लिखना होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। साथ साथ ये एक्वाटिक होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख ही रहे हैं आपको, चेन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चेन शेप स्ट्रक्चर, ये सब कुछ कॉमन फीचर्स हैं। तो ऑसिलेटोरिया दिख रहे हैं, अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको पांच पॉइंट्स सोचने नहीं, तुरंत इसके बारे में लिख लेने हैं। ये ऑसिलेटोरिया का एग्जांपल, ठीक है, एकदम से अच्छे से इसको क्लियर कट अच्छे से समझ जाइए ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन आते हैं, अब देखो ये स्पायरोगायरा है, ठीक है, ये भी फिलामेंटस है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, एल्गी ही है, लेकिन इसके और ऑसिलेटोरिया के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस दिखेगा। इसमें जो इसका क्लोरोप्लास्ट है वो ऐसे इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है, इस तरह से अरेंज्ड है, तो ये उसकी खास बात होती है स्पायरोगायरा की, ठीक है। तो ये है क्या, स्पायरोगायरा, ये क्या है, स्पायरोगायरा, ठीक है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसका भी है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, साथ साथ ये है क्या, ये फिलामेंटस होने के साथ क्या है, एल्गी है, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ स्पिन होती है एल्गी की, तो सब जानते ही हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी का एजेंट है, फोटोसिंथेटिक डेवलप होता है, ठीक है, और इसमें रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है, रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट, तो ये इम्पोर्टेंट होता है जानना, ठीक है। इसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। तो ये हमने स्पायरोगायरा और ऑसिलेटोरिया, ध्यान दो दोनों में थोड़ा सा कॉमन चीज़ें, दोनों ग्रीन हैं, ठीक है, दोनों ग्रीन दिख सकती हैं, हालांकि फ़ोटो खींचने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कलर का मिसमैच हो सकता है, बट ये दोनों ग्रीन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये अमीबा की स्लाइड है, कल मैंने बताया भी था अमीबा की स्लाइड थोड़ी सी डिफरेंट होती है रियल अमीबा से। ये अमीबा की स्लाइड अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, अमीबा, ठीक है। प्रोटोजोआ का मेंबर है, सबको पता है प्रोटोजोआ का मेंबर है, यूनिसेलुलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, यूकैरियोटिक एनिमल है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो ये यूकैरियोटिक एनिमल है, ठीक है, और ये होलोजोइक होता है, यानी कि फूड को ऐसे एज यूजुअल फीड कर लेता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं, और इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो शेप नॉट फिक्स, शेप और साइज इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि हमारे पास जितने भी स्लाइड्स हैं उसका रियल व्यू क्या होता है और बुक वाला व्यू क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी को लेकर के स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रही थी, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये जो दिख रहा है ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है, ठीक है, इसको लिखना क्या पढ़ना क्या, ध्यान सुनिए, ये बैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। इसका क्लियर व्यू यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये क्लियर व्यू है बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक। रियल स्ट्रक्चर इसका रॉड शेप होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसली पैक्ड है, उनकी कॉलोनी है। इसको जब 45x पे शूट करेंगे तो आपको ये क्लियर कट दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं बैसिलस। इसके अलावा ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये
किंगडम मोनेरन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मोनेरन से बिलोंग करते हैं। कुछ यूजफुल और कुछ हमारा एग्जांपल जैसे बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन मैं इसकी बात कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये ब्लड स्मीयर्स है, ह्यूमन ब्लड स्मीयर्स, ये एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन ब्लड स्मीयर। ये है क्या, ह्यूमन ब्लड स्मीयर, ये ह्यूमन ब्लड स्मीयर, यानी कि ह्यूमन के ब्लड को एक स्लाइड पे लेकर के ऐसे फैला दोगे और उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और एक्चुअल में इसको ब्लू कलर से स्टेन किया गया है तो वो भी इसमें ब्लू ब्लू आया है, रेड कलर नहीं आया है। और ये जो आपको जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं ना, बहुत क्लियर से जब देखने पे आपको बड़े बड़े जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये RBC है, और ये जो बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं ये WBC, आपको दो तरह के क्लियर कट दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे सेल्स और ये बड़े बड़े सेल्स, ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं ये WBC हैं, और ये छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये RBC है। तो WBC, RBC, RBC ये और ये WBC, तो ये काफ़ी आसान है इसको फाइंड आउट करना, RBC, WBC के बेस पे। लेकिन हम ह्यूमन ब्लड स्मीयर्स जब बनाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत क्लोज पिक लिया हुआ है, माइक्रोस्कोप से इसको मैंने पिक लिया हुआ है, जिसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको WBC की ढेर सारी कॉलोनी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये WBC है, सब ह्यूमन ब्लड में WBC, RBC, प्लाज्मा प्लेटलेट सब होता है, तो ये WBC की कॉलोनी ढेर सारी दिख रही है। बीच में यहाँ पे देखिए कोई WBC नहीं दिख रहा, ये RBC है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये RBC है, तो RBC और WBC एकदम से क्लियर है। यहाँ पे देखो ये चार मैंने WBC को यहाँ पे पिक किया हुआ, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये WBC और RBC का हमने रियल व्यू देख लिया, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हाइड्रा है, माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा है, इसके बारे में आपको समझना है, इसको तो आप बड़े आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है, हाइड्रा। और ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, इसके माउथ है, ठीक है, इसका कुछ ही पार्ट्स यहाँ पे माउंट किया गया है, जिसको आप आसानी से पहचान जाएंगे, इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे कंसल्ट करिएगा। ये स्ट्रिएटेड मसल फाइबर है, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो लिखेंगे हम लोग स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर को यहाँ पे हमने पढ़ लिया, और एग्ज़ाम में मसल फाइबर की किस्म भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्पॉट्स में अगर आ जाएगा तो ये पूरा स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स के बारे में लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, ठीक है। ये स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज है, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज है, हालांकि रियल में काफ़ी डिफरेंट होता है, रियल में आपने पढ़ा होगा इस तरह से अरेंजमेंट होता है और ये सिंगल लाइन होते हैं, ठीक है, ये सिंगल लाइन होते हैं, इसको स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पे थोड़े से व्यू में दिखाया गया है, ठीक। तो ये हमारे स्लाइड्स थे, जो सारे स्लाइड्स ख़त्म हो गए हैं, और इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सीधे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर फोकस आउट करेंगे, ठीक है। हमने जो भी वीडियो देखा है उसमें हमने आज कौन कौन से स्लाइड्स को एक बार देखा, एक बार रिवाइज यहाँ पे कर दे रहे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। माइटोसिस, ओनियन रूट टिप, ये भी माइटोसिस, ऑसिलेटोरिया, स्पायरोगाइरा, और ये जो दिख रहा है अमीबा, ठीक है, बैसिलस, ह्यूमन ब्लड स्मीयर, बैसिलस, हाइड्रा, ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा ये बच गया हमारा स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज। देखो स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज और बैसिलस बैक्टीरिया में काफ़ी सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है इस टाइप के बैसिलस में। ये देखो, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ये दोनों में थोड़ी सी आपको डिफरेंट दिखेंगी, ये काफ़ी क्लियर व्यू में आएगा, काफ़ी आपको मैग्नीफाई व्यू में आएगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज है। तो ये कुछ हमारे पास स्लाइड्स थे जिसको मैंने ओवर करा दिया, इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर पार्ट्स एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ से आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, 5-5 कैरेक्टरिस्टिक्स कंपलसरी लिखना। थैंक यू।